रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उमर क्रिएशंस के साथ मैं हूं उमर, और मेरे साथ हैं मरियम उमर। और आज बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूं, और वो जो रेसिपी है वो आपको मरियम बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सबका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा जी, आज हम बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं आपके सामने। इशू बस ये था कि मोस्टली ऐसा होता है कि क्योंकि सबका रोज़ा होता है तो सहरी के लिए जो सालन बनाया जाता है वो बच जाता है, और मोस्टली लोग नेक्स्ट डे वो यूज़ नहीं करते तो वो वेस्ट हो जाता है। तो जो आजकल के हालात जा रहे हैं और आम रूटीन में भी आपको खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आज हमारे पास जो है वो है आलू कीमे का सालन जो हमने सहरी में बनाया था कल। ठीक है जी, आज हम इसके बनाएंगे सैंडविच। ठीक है जी, ये सालन यूज़ करेंगे, साथ हमारे पास होंगे ब्रेड के स्लाइसेस और थोड़ा सा हम घी यूज़ करेंगे। ठीक है जी, सैंडविच मेकर के अंदर हम सैंडविच बनाएंगे, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। और बस आपके सामने बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई भी सालन बच जाता है, फॉर एग्जांपल कोई चिकन का सालन है या कोई भुजिया वगैरह है, तो आप उसको ईजिली सैंडविच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई चिकन का सालन है तो आप उसे चावलों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सैंडविच बनाना, क्योंकि कीमा जो है वो तो हमारा रेडी है, और जो आलू है हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि ये सैंडविच में ना अच्छी तरीके से कीमे के साथ मिक्स हो जाए। ठीक है जी, कोशिश किया करें कि किसी भी तरीके से आपका खाना जो है वो वेस्ट ना हो। सबसे पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उतना ही खाना बनाएं जितना इजीली हम ख़त्म कर सकें ताकि वो वेस्ट ना हो, और अगर एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो वो वेस्ट करने से बेहतर है कि किसी के मुंह में चला जाए। तो व्यूअर्स, अब हम ऐसा करेंगे कि ब्रश की मदद से हम टोस्टर के अंदर सैंडविच मेकर के अंदर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। ठीक है जी, ताकि जो हमारे स्लाइसेस है ना उनका जो कलर है ना वो बड़ा अच्छा सा मज़े का आ जाए। ठीक है जी, इस तरीके से, और इसी तरीके से आपने इसके अपर पोर्शन के अंदर भी लगा देना है ताकि इसकी दोनों साइड जो हैं वो एक जैसी ब्राउन हो। तो व्यूवर्स, इस तरीके से हम इस मिक्सचर को जो पहले से ही रेडी था, ठीक है जी, हमने सैंडविच के अंदर अच्छे तरीके से इसे फिल कर लेते हैं। डेली रूटीन के अंदर आप जो भी सालन बनाएं आप उसे इजीली सैंडविच के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, हमने इस तरह से एक स्लाइस के ऊपर मिक्सचर लगा लिया है। ठीक है जी, और अब हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे, और अब हम सैंडविच मेकर को बंद कर देंगे। तो व्यूवर्स, ये देखें हमारे जो हैं सैंडविच वो रेडी हो चुके हैं, और अब बस आपको मैं इनको सर्व करके दिखाता हूँ, और देखें ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आम रूटीन में कोई भी मतलब इस तरह का सालन आपने बनाया होगा, कोई चिकन का या आलू कीमा वगैरह इस तरह का, तो आप उसकी सैंडविच भी बना के तो खा सकते हैं, साथ एक कप चाय का हो तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये देखें हमारे जो है सैंडविच मैंने आपको बताया था रेडी हो गए हैं, और हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, और ये देखें कितने अखीर किस्म की इसकी लुक है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो से अपडेट रहे, और ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो से जो है अपडेट रहें, और आपके तक आप तक मेरी जो है नई वीडियोस पहुंचती रहें। और कमेंट्स में प्लीज़ अपनी राय का इजहार कर दिया करें कि आपको मेरी जो है रेसिपी वो कैसी लगी है, और काइंडली लाइक कर दिया करें वीडियो को। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपने घर वालों को हेल्दी फूड घर में बना के खिलाते रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।